कसम आपने जन्नत मैम से मेरी शिकायत की है। मैं क्यों करूंगी? उन्होंने नौकरी से निकाल दिया मुझे तुम्हारी वजह से। अब मुझे दोबारा फोन मत करना। जन्नत, आप जा रहे हैं? हाँ, क्यों? आपने जिब्रान को फायर क्यों कर दिया? देखिए, ये लड़के लड़कियों के अफेयर्स तो चलते रहते हैं, आप तो जानती हैं वो किस किस्म का लड़का है, फिर भी इतनी सख्त सजा। जिसके साथ अफेयर चलाया है ना उसने, वो मेरी मेड है, वो एक सीधी सादी लड़की है, उसको फंसाया उसने, उसको बलगलाया उसने। इतनी भी कोई सीधी सादी लड़की नहीं है वो, वरना चार दिन में किसी और के साथ चक्कर नहीं चलाती। जो भी है, मैंने जिब्रान को निकाल दिया, उसके रिप्लेसमेंट ढूंढ लेना आप। पता नहीं क्या घोल कर पिलाया है तबस्सुम ने। चन्ने जी, आपके लिए खाना लगवा दूं? नहीं, मैं खाना खा के आई हूँ, लेकिन तुम बैठो यहाँ पे, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी मैं। जी, की बात कर रही हूँ चन्ना जी। सब में जिब्रान का कोई कसूर नहीं है, वो और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मंगनी शुदा लड़का है, वो शादी होने वाली है उसकी। लेकिन उसकी मंगनी खत्म हो गई है, उसने मुझे खुद बताया है वो उस लड़की को पसंद नहीं करता। अव्वल नंबर का आवारा और झूठा लड़का है वो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो उसकी मंगेतर से बात करवाऊं तुम्हारी? और वो तो चलो है ऐसा, तुम्हें क्या हो गया? तुम और फारूक एक दूसरे से प्यार करते हो। वो करता होगा, मैं नहीं करती। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? चार दिन में फारूक से मोहब्बत खत्म हो गई है और चार दिन में जिब्रान से मोहब्बत हो गई है तुम्हें। अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है मुझे, और अच्छा मुस्तकबिल क्या होता? ज्यादा चीजें, ज्यादा साइशात, बस। चंदा जी, आप तो अपने शो में दिखाती हैं। वही चीजें, वही साइशात, क्या आप बात नहीं करती उन चीजों की? तबस्सुम, मुझे पैसे मिलते हैं वो सब कहने के लिए जो मैं शो में कहती हूँ, तो शो की बात मत करो।
मेरी फारूक से बात होगी, तुम शादी उसे सही करोगी। फारूक हीरा है, हीरा। जो लोग हीरों को गवा देते हैं ना, उनको कोयले भी नहीं मिलते। वो हीरा होगा लेकिन मैं जोहरी नहीं हूं, इसलिए कह रही कि तुम्हें कदर ही नहीं। लेकिन मेरी बात वो माननी पड़ेगी, समझी तुम? मैं तुम्हारे माँ बाप से खुद बात करूंगी, धूमधाम से शादी करेंगे हम तुम्हारी। जन्नत जी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अगर ये सारा जिब्रान वाला मसला ना हुआ होता तो मैं तुम्हारी साइड पे ही होती। लेकिन फारूक ठीक कह रहा है, तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। और फारूक भी मेरे पास काम करते हैं, तुम भी मेरे पास काम करती रहोगी, अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी, कोई मसला नहीं होगा। ड्राइवर की क्या जरूरत है, फारूक है ना तुम्हें छोड़ने के लिए। जी मैंने तय कर लिया, फारूक को ड्राइवर के तौर पर रखूंगी मैं। तुम्हारे आने जाने का मसला भी हल हो जाएगा। नारियल पानी पिलाऊं तुम्हें? नहीं। आप बन कबाब? नहीं। कुछ और? कुछ भी नहीं। तो गुस्सा में, अब तो गुस्सा छोड़ो। चन्ना जी से जबरान की तुमने शिकायत की है? हाँ ठीक। फारूक, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है ना तो मुझे नौकरी छोड़ने का नहीं कहो। मैं जन्नत जी की नौकरी नहीं छोड़ूंगी। ठीक, कोई और शब्द? घर चलो, दो नारियल पान दे। पकड़ो, स्टिंग चाहिए। पकड़ो ना। कितने पैसे हो गए? 阿斯salamu alaikum वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तुमने अपनी मैडम को बता दिया नौकरी छोड़ने के बारे में? अब खा लो। आप परेशान ना हो, मेरी और तबस्सुम की सुलह हो गई है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था
सब ठीक हो जाएगा। तुम तो खामखा हर बात का मसला बना के बैठ जाते हो। अच्छा फारूक, खाना खाए बगैर नहीं जाना, ठीक है? वैसे मैं तेरी जगह होती ना तो कभी दोबारा उसको मुंह ना लगाती। अम्मी गुस्सा छोड़ देना आप, जब मैं उससे नाराज नहीं तो आप क्यों हो रही? जब तक वो जन्नत अली खान का पीछा नहीं छोड़ेगी ना, तेरी जिंदगी में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला होता रहेगा। नहीं होते मसाइला, बस एक बार शादी हो जाए ना तो उसका ध्यान खुद ब खुद घर में लग जाए। नहीं लगे अम्मी, वो उसे नौकरी छोड़ने के लिए मना लूंगा। आज तक मना नहीं सका उसे, अब कैसे मनाएगा? अम्मी आपको पता तो है मैं तपस्वी को क्या समझता हूँ। और वो फारूक, वो तुझे क्या समझती है? वो मुझसे प्यार करती, आप ही तो कहती थी कि वो हालांकि सबसे अच्छी, सबसे समझदार, एहसास करने वाली होती। हाँ, क्योंकि तब तक उसने जन्नत अली खान की जन्नत में रहना शुरू नहीं किया था। कमरे का नहीं आना, और भी जगह है घर में जिसमें कैमरा ऑफ है। हाँ दिलीप, मैंने कहा था किसी को भेज दो, वो घर के कैमरे नहीं काम कर रहे। ओके, मैं कल ही भेजती हूँ सीसीटीवी वाले को। आज कहा भी था लेकिन वो शायद गया नहीं।
शुक्र है तुम्हें मेरी याद है, वरना मुझे तो लगा था एक शानदार से रिजॉर्ट में जन्नत के साथ तुम्हें मेरी कहाँ याद आएगी। अपने आप को किसी और के साथ मत कंपेयर किया करो। तुम्हारी अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है कि तुम बहुत बेहतर जानती हो। कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, आज डिनर बाहर करते। चलो कॉफी तो पी सकते हो ना, कॉफी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। रेस्टोरेंट की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का क्या बना? जन्नत ने सारा पेपर वर्क कर लिया, प्रपोजल अप्रूवल के लिए गया हुआ है बस। रेस्टोरेंट पे सारी इन्वेस्टमेंट वो करेगी और फिर मेरे नाम कर देगी। फिर तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो ना जन्नत के आगे? उतना बेवकूफ मैं हूं नहीं। वो तो तुमने साबित कर दिया। अब जब सब कुछ हो जाए तो छोटी मोटी नौकरी मुझे भी दे देना। रेस्टोरेंट तुम रख लेना, भूत प्रेत जादू टोना, एक अनदेखी हकीकत या नजरबंदी। हमारे साथ है अमलियात के माहिर प्रोफेसर साहिब, शदीद से शदीद जादू की काट के माहिर। एक्टिंग शुरू करें। चलो ठीक है, हम लाइव जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक में जाएंगे और जो ब्रेक में होने वाली सूरत हाल है उसको संभालने की कोशिश करेंगे। टीम वाह, क्या एक्टिंग की मैंने और आप सबने भी, सबके लिए तालियां और जोर से तालियां। कमाल की परफॉर्मेंस, रेटिंग तो यू कर गई होगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा चलो ठीक है, अब हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि जिनकी हाजिरी हुई है मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। बेबर दो मुझे, इसमें सब लिखा हुआ है, आप मुझे उनका जवाब देंगे और मैं फिर से शौक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं सारे सवालों के जवाब लिख दिए आप? हाँ जी सब लिख दिया, आप एक तो पढ़ लें। ठीक है जी, ये उठा लो, ये बट्टा सही कर दो मेरा। ओके हाँ सही है, वहाँ पे चले। ओके चले, अगले सेगमेंट की तैयारी करें, बस एक मिनट बाकी है। ओके डन। टीआरपी देख रही हूँ उनकी, सिर्फ शादियां करवाते हैं लोग। मैं तो पहले ही आइडिया दे रहा था कि शो पे किसी काला जादू करने वाले को बुलाएं, आप ही नहीं मानी।
तो बुलाओ फिर किसी को, लेकिन याद रहे इससे तगड़ा होना चाहिए। ये भी एक्टिंग कर रही है और आपको भी एक्टिंग करनी पड़ेगी भूतों से मुलाकात के लिए। कभी कभी तो नफरत सी महसूस होने लगती है खुद से, अपनी डिग्रियों से और इस मॉर्निंग शो से, जिसमें रोज सुबह बैठकर कभी लोगों की शादी करवा रहे होते हैं और कभी जिन्नों की हाजिरी करवाते हैं। शो में रेटिंग के लिए सब कुछ करना पड़ता है अला जी, अपने जमीर को दो गोलियां खिला दे, तकलीफ नहीं देगा। कितना टाइम रह गया शो में? मैम बस 2 मिनट, आ जाए प्लीज। चले बड़ा बोल तो वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मेरे पास ना हो। कोई परेशानी, कोई मसला, मेरे मौक्कल के पास हर किस्म का हल मौजूद है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सारी बातें आपको मेरे बारे में पता कैसे चली। It's shocking for the audience. बल्कि कुछ बातें तो ऐसी थी जो मेरी शायद फैमिली को भी ना पता हो, इन्होंने मुझे 2 मिनट में बता दी। एक दो बातों का जवाब मैं आपको शो के बाद दूंगा। नहीं नहीं बस इतना काफी है, इतना काफी है। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना चाहें तो आप हमें लाइव शो में कॉल कर सकते हैं, आज भी और वीकेंड पर भी, क्योंकि अब फ्राइडे को इनको फिर से शो में बुलाएंगे और जुम्मे का दिन तो वैसे भी बाबर का दिन होता है। तो अगर हम इनके जरिए आपके किसी मसले का हल निकाल सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। जब फारूक और आपा को कोई इतराज नहीं तो तुम और मैं कौन होते? शादी के लिए मान तो गई है। शादी करेगी साथ साथ नौकरी भी करेगी, ये उनका मसला है, तुम उनको निपटने दो। और वैसे वो बता रही थी कि दुबई के वीजे का भी कुछ हो गया असगर के लिए। किसके वीजे का? असगर का, और किसका? जन्नत अली खान ने इंतजाम किया है। कमाल करते हो, तुम लोग भी बताया नहीं। आज सुबह ही तो बता कर गई है वो मुझे। अल्लाह करे एक दफा हमारा बेटा दुबई चला जाए, सही सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ा अरसा उसको वहाँ नौकरी करने दो, उसने हमारे इतने सारे मसाइल हल कर लिए तो अपने और फारूक के भी कर लेगी। तुम्हें पता तो है फारूक की नौकरी तबस्सुम की वजह से हुई है जन्नत अली खान के यहाँ। अगर तबस्सुम ने नौकरी छोड़ दी और उसने फारूक को निकाल दिया तो फिर ये तो मैंने सोचा नहीं था। है ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल। तुम्हारे हाथों में जादू है तबस्सुम, तुम जब भी मेरे सर की मालिश करती हो सुकून मिल जाता है। जन्नत जी, आपके शो में जो आमिल आए थे उनका नंबर चाहिए था। क्यों, नंबर क्यों चाहिए उनका? अम्मी को चाहिए था, नसीम का होने वाले शोहर है ना, उसके बारे में कुछ पूछना था उन्हें। अपनी अम्मी को कहो कि अपने पैसे और वक्त जाया ना करें, झूठे होते हैं सारे आमिर। लेकिन आपके शो में तो, मैं जानती हूँ मेरे शो में उसके ऊपर जिन आया था, लेकिन वो ड्रामा था, कुछ नहीं होता इनके पास। अजय इधरा, शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं तुम्हारी, बताओ। तैयारियां हो रही हैं, नसीम की शादी के साथ साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। फारूक तो आजकल इतना खुश चल रहा है कि उसकी कोई हद नहीं, जब मुझे देख के सलाम करना शुरू कर देता है। मैं तुम दोनों को अपने शो में बुलाऊंगी, बल्कि जो शादी की जितनी रस्में हैं ना वो मेरे शो में ही करेंगे। हम कोई मशहूर लोग थोड़ी हैं जो आपके शो में हमारी शादी होगी। तुम जन्नत अली खान के पास काम करते, ये तारुफ मशहूरी काफ़ी है तुम्हारे लिए। अच्छा मुझे बताओ शादी के जोड़े का रंग क्या है? ये देख, ये खूबसूरत जोड़ी लेकर आई है ना खाला तुम्हारे लिए।
पहले ही भिजवाए ताकि तुम पसंद कर लो। देखो इनमें पसंद करने वाली क्या बात है, जन्नत जी ने कहा कि मेरी शादी के सारे कपड़े वो बना लेंगे। हाँ तो मेरी बहन तो है इतनी खुशकिस्मत माशाल्लाह, लेकिन ये तो ससुराल से आए हुए जोड़े हैं ना शगुन के, इनका मुकाबला तो किसी चीज से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सुनो कल के मुझे शो की वार्डरोब अपडेट्स फौरन चाहिए, ठीक है? एक दफा देख लो। हेलो। हाँ तबस्सुम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मजे में। तुम सुनाओ, कोई काम था? वो शो में जो आमिल आए थे ना, उनका नंबर चाहिए था। क्यों? तुमने अपनी सास को सीधा करना या होने वाले शोहर को? वो अम्मी को चाहिए था, बहन और बहनोई के बीच में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं तो उन्हें कुछ पूछना था। अच्छा चलो मैं भेज देती हूँ, पर अम्मा से कहना कि पैसे जाया ना करें। जी मैं कह दूंगी, आप भेजना। चलो मैं मैसेज कर देती हूँ नंबर। शुक्रिया। क्या हुआ, मिली अपडेट्स? गेस्ट लाइन हो गए कल के शो के लिए? ठीक है मुझे जल्दी से फाइल दिखा दो, उनको अप्रूव कर देते हैं फौरन से। क्या कर दिया मैंने? आज घर नहीं जाना, कहीं और चलना है। हाँ हाँ लेकिन कहाँ? तुम चलो मैं रस्ते में बताती हूँ। चलो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। तुमने जन्नत अली खान से नंबर खुद लिया है क्या? उनके असिस्टेंट से लिया था। हो जाएगा, मुझे अब देखा नहीं जाता। मैंने आपको बताया ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। और अब मैं उस जन्नत से निकलना नहीं चाहती। नहीं निकलोगे। और वो भी जो मैंने आपको बताया था। और भी कुछ है तो वो भी बता दो। बस मेरा काम हो जाए। आप पैसे पैसे बता दें मुझे। Thank you.
हाँ मैम, मंगाली पापा। चलो, यहाँ किसे मिलने आए थे? वो अम्मी का कुछ काम था इसलिए आए थे। आमिल, बंगाली बाबा के काला जादू करने वाले काम खाला ने कब से शुरू कर दी? नाइन भाई की जॉब के लिए तावीज मंगवाए और मैंने ही अम्मी से कहा था। अब इस बात में शोर मत डालो, ना ही खाला से जिक्र करना, इसलिए मैं तुम्हें बातें नहीं बताती। चलो चलो, तेरी तो किस्मत को देख के रश्का नजर ना लग जाओ। एक तो तेरी जन्नत पाजी, ऊपर से फारूक, इतनी मेहनत की है यार। अब तेरी जन्नत बाजी ने और कपड़े नहीं निकाले, कोई खिलौने वगैरह? नहीं, हाँ लेकिन मैं पूछूंगी, निकाले होंगे जरूर। सल्ला का शुक्र है तू घर पे नजर आए। मैं तो कहती हूँ कि छुट्टियां ले ले और घर बैठ, रूप नहीं चढ़ता दुल्हन पे, शादी के दिन है। इतने महंगे पार्लर से जन्नत जी ने मेकअप करवाने में, और इतना बड़ा डिजाइनर है जो मेरे शादी का जोड़ा सिएगा, रूप तो खुद ही आ जाएगा। माशाल्लाह, सब मैं रख देती हूँ वापस, पहले के खराब। आप ऐसे छोड़ो ना, याद हम वो शो देख रहे थे और वो डिजाइनर आया था, उसने उस मॉडल को लाल रंग का जोड़ा बनाया था, मोटा सा। हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा डिजाइनर है। ये मैं सारे कपड़े दे रही हूँ, इनको अपने साथ ले जाना, तुम्हारी शादी में काम आएंगे ये सारे। हाँ लेकिन रुको, मैं तुम्हें साथ में बैग देती हूँ, बैग के अंदर डाल लेना। अरे ये है ना, ये? हाँ इनमें कर लो, मैं खोल देती हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि फर्नीचर क्या बना? अब्बा के साथ कल जाऊंगी, फर्नीचर इतना महंगा भी तो हो गया, दो तीन बाजारों में फिरेंगे, जहां से सस्ता मिला वहां से ले लूंगी। सस्ता महंगा छोड़ दो, जहां से पसंद आए वही ले लो, मैं दूंगी तुम्हें फर्नीचर। आप देंगी? हाँ क्यों नहीं। अब सोचो, शादी के तोहफे में अगर फर्नीचर दूंगी तुम्हें तो मुझे हमेशा याद रखोगी, है ना? अच्छा, मगर आप अब तकल्लुफात में ना पड़ना, कुछ और भी पसंद आए तो बता देना मुझे बेतकल्लुफी से, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि कल शो में ये पहन लूं? बहुत प्यारे। ठीक है। इतनी खाली कैसे हो गया तुम्हारी अलमारी? इतने सारे कपड़े थे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, तब उस वजह से मुझे वही मेरे कपड़े ठीक करती रहती है। मम्मा, मैं कुछ खिलौने भी नहीं मिलते हैं। कौन से खिलौने? वो जो बाबा पीछे ट्रिप से लाए थे ना, वो गुड़िया, वो डॉल, वो कार, यहाँ पे पड़े हुए थे। कहाँ गए? यहीं कहीं पड़े होंगे, आप तो बस समझ रहे हो ना, वो ढूंढ लूंगी आपको, ठीक है? ठीक है, डोंट वरी। अलमारी सेट करें अभी। ठीक है मम्मा, आग। ओह चल, लेट्स डू दिस।
हाँ